जीतन राम मांझी जी का इतना मतलब नीचे स्तर का बयान देना उचित नहीं है। पहले समझना चाहिए ना, नीतीश जी कन्वेनर बनने के लिए परेशान है, ना नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है। नीतीश जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक मोर्चा बनाकर इसको हटाने में इंटरेस्टेड है। और मणिपुर में इतने लोग मर रहे हैं, आज तक कोई एक जांच की कमेटी नहीं बनाई, कोई एक नेता को नहीं बेच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान आया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मीटिंग से नाराज होकर निकल गए क्योंकि उनको कन्वेनर नहीं बनाया गया। इसको लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी का ऐसा निम्न स्तर का बयान देते हुए उनको समझना चाहिए कि क्यों आए या नहीं आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना ही कन्वेनर बनना चाहते हैं और ना ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को उखाड़ फेंकने में इंटरेस्ट रखते हैं। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। सर, एक तरफ आप लोग बैठक कर रहे हैं, वहीं एनडीए की तरफ से भी बैठक की जा रही है 38 दलों को मिला करके, आने वाला लोकसभा का क्या दृश्य होगा सर? तो हर कोई अपने अपना प्रयास करता है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो 9 साल में कभी एनडीए की कोई बैठक हुई नहीं। ये तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब बैठकें होती थी, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा कि कभी एनडीए की बैठक हुई या एनडीए ने बैठक किया है या एनडीए की कोई इस तरह का कोई उन लोगों का दलों का समूह भी है। अब तो ये अपना जब तैयार होने लगा, लोग जुटने लगे, तब उन लोगों ने एक समूह बनाया है। सर, जीतन राम मांझी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को कन्वेनर नहीं बनाया गया, इसलिए वे लौट करके चले आए बेंगलुरु के बैठक। जीतन राम मांझी जी का इतना मतलब नीचे स्तर का बयान देना उचित नहीं है। पहले समझना चाहिए उनको कि क्यों आए नहीं आए। ना नीतीश जी कन्वेनर बनने के लिए परेशान है, ना नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है। नीतीश जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक मोर्चा बनाकर इसको हटाने में इंटरेस्टेड है। सर, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर में उनकी सरकार है, न गृह मंत्री जा रहे हैं, न प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। यहाँ पर लाठीचार्ज होता है, जांच के लिए कमेटी बना देते हैं। और मणिपुर में इतने लोग मर रहे हैं, आज तक कोई एक जांच की कमेटी नहीं बनाई, कोई एक नेता को नहीं बेच रहे हैं। तो उनको उसकी चिंता न करनी चाहिए। अपने समय जब लाठीचार्ज होता है तो कहीं नहीं भेजते हैं, और मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए नहीं भेजने की जरूरत समझ रहे हैं। जहाँ जाँच कमेटी बना देते हैं, जहाँ ये बना देते हैं, पहले उनको तो देखना चाहिए ना। आज तक जेएनयू पर बना कमेटी, आज तक किसानों पर लाठीचार्ज हुआ बना कमेटी, एनआरसी के ऊपर जो बैठे हुई थी महिलाएं उन पर लाठीचार्ज बना हुआ तो बना कमेटी। तो ये तब पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अभी आपने देखा भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने जीतन राम मांझी पे जमकर तंज कसते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी को ऐसा निम्न स्तर का बयान देने से पहले समझ लेना चाहिए कि क्यों आए और क्यों नहीं आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ना ही प्रधानमंत्री बनना है और ना ही कन्वेनर बनना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बीजेपी को उखाड़ फेंकने में इंटरेस्ट रखते हैं। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मणिपुर हिंसा को लेकर खूब भड़क गए और साफ साफ कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है और ना ही देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए और ना ही देश के गृह मंत्री वहाँ गए और ना ही बीजेपी के कोई वहाँ प्रतिनिधि गए। और बिहार में लाठीचार्ज होता है तो बीजेपी के द्वारा टीम गठित कर दिया जाता है, लेकिन मणिपुर में इतने लोग मारे गए, ना ही वहाँ पे कोई टीम गठित किया गया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसको चिंता है। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहें हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।